हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। HSSC की नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर है। जैसे कि पता है कि दोस्तों, हरियाणा में BJP की गवर्नमेंट बन चुकी है। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे, उसके बाद में ही शपथ लेंगे। इसको लेकर बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट कब जारी होगा। यह आज का न्यूज़पेपर है, दैनिक सवेरा का। इसमें देख सकते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के रिजल्ट जारी करने में जुटा। 12, 13, 14 को ज्वाइनिंग संभव, यानी कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं सप्ते बाद मिलूंगा, पहले 25,000 की ज्वाइनिंग होगी। हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बन चुकी है दोस्तों, तो ये पूरी खबर नहीं पटकर जो मेन मेन है वो आपको बता देता हूँ, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो आचार संहिता कल समाप्त हो चुकी थी 10 अक्टूबर को। अब आयोग यानी कि HSSC जो 25,000 के पद हैं, जिसमें ग्रुप 56-57 पुलिस ग्रुप 1-2 का रिजल्ट जारी हो सकता है। संभावना तो यही जताई जा रही है कि आज रिजल्ट जारी हो सकता है। 99% पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट आज ही जारी हो जाए। इसके 1-2 दिन बाद में DV और हो जाएगा, जिसके बाद में आपको तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, यानी कि हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर से पहले पहले, यानी कि अब की बार 1 नवंबर को दिवाली भी है, 1 नवंबर से पहले पहले हुआ दी जाएगी। इसको लेकर बेफिक्र ना हो। और रिजल्ट जारी करने पर चुनाव आयोग ने ये तो ऐसे ही बता रखा है, पुरानी न्यूज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक जिन पदों कैटेगरी के लिए परीक्षा ली है उनमें लगभग सभी का रिजल्ट घोषित होंगे। इनमें ग्रुप 56-57, ग्रुप 1-2 हरियाणा पुलिस के 6,000 पद, PRT पदों के लिए फिलहाल रिजल्ट घोषित नहीं होगा। इसी तरह पुलिस सिपाही के जो 4,600 से ज़्यादा पद विज्ञापित हुए, आवेदन मांगे, उनके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अभी फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के मामले से संबंधित विभागों ने उन संस्था का पता लगा रहा है जिनके सर्टिफिकेट वैध है, यानी कि जो फायर ऑपरेटर वाली भर्ती है इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बात करते हैं नई भर्ती को लेकर, नई भर्ती कब तक आएगी। इसको लेकर आयोग ने नवंबर दिसंबर में CET को लेकर शुरू की तैयारियां, यानी कि सरकार बनते ही अब एक नया CET होने जा रहा है, क्योंकि जो पिछली भर्ती हुई वो सिर्फ एक CET के आधार पर हुई है। इस वीडियो में पूरा देखना दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे ग्रुप डी ग्रुप सी कौन कौन से विभागों के लिए पोस्टें आ रही है और कब तक ये CET कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो CET मेन्स एग्ज़ाम होगा उसमें कितनी भर्तियाँ आएगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं HSSC के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह के अनुसार आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। इस भर्ती पोर्टल के लिए खोला गया है जिसमें युवा प्रेफरेंस दे चुके हैं। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद में विभागों की ओर से पदों की डिमांड मांगी जाएगी। नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले कहा था कि सप्ताह के साथ ही युवाओं को पहली कलम से जॉब देंगे। इसमें कई कैटेगरी के पद हैं जिन पर भर्ती होनी है। इसके लिए HSSC ने पिछले कई माह से लगातार कार्य किया। आयोग के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार को पहले भी अपडेट दिया जा चुका है कि आयोग के द्वारा मुख्य सचिव को पत्र लिखकर भर्ती का रिजल्ट जारी करने की मांग की थी। भर्ती प्रक्रिया अभी तक 26 एग्जाम हो चुके हैं। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर नवम्बर दिसंबर में संभव HSSC की CET को लेकर तैयारियाँ चल रही है। नवम्बर दिसंबर में नया CET हो जाएगा दोस्तों। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आचार संहिता लग गई थी, जिसके कारण प्रक्रिया आगे बढ़ने में समय लगा। CET नवंबर दिसंबर में होने की संभावना ज़्यादा है, इसके बाद में ही युवाओं के लिए और नौकरी के दरवाजे खुल सकेंगे। 25,000 पदों के बाद में और भर्ती करेगा आयोग। ये जो 25,000 करंट की भर्तियाँ चल रही है, इसके बाद में और भी भर्ती करेगी HSSC। इसके लिए आयोग ने सभी विभागों से डिमांड मांगी है। अब भर्तियों के लिए चयन का कैलेंडर जारी किया जाएगा, ताकि युवाओं को पहले से पता हो कि कब कौन सी भर्ती जारी हो रही है। और आयोग सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ तैयारी शुरू कर रहा है, जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों कि HSSC पहली बार अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगी, जिसमें बता दिया जाएगा कौन सी पदों के लिए कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब तक इनका फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग हो जाएगी। चुनाव आयोग ने भर्ती प्रक्रिया पर लगाई थी रोक, ये तो पुराना हो चुका है।
तो देखिए दोस्तों, जिन दोस्तों का ये 25,000 जो करंट में भर्ती चल रही है, इसमें नाम आने की पूरी पूरी संभावना है, उनके लिए शुभकामनाएं। वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपने ऊपर लगे इस बेरोज़गारी के ठप्पे को हटाएं। और जिन दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो वो तैयारी करते रहे। नवंबर दिसंबर में नया सीटी होगा, उसके आधार पर नई भर्तियां की जाएगी। अब आपके पास भी समय है, 1 या 1.5 साल में आप भी नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि HSSC हरियाणा सरकार, जो BJP की गवर्नमेंट होनी है, वो जल्द से जल्द नई नई भर्तियाँ पूरा करेंगी, ताकि हरियाणा में इनका प्रभाव बना रहे और कोई अन्य मामले को लेकर इनके हाथ से सत्ता ना चली जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।